25 डेज का ये पूरा 25 दिन के अंदर बना है, 25-30 दिन पहले की बात है और आप देख रहे हैं आपके सामने ये रिजल्ट। यहाँ पे मंशियात के अड्डे हुआ करते थे, रक्षे खड़े होते थे जिसमें आके लोग मंशियात बेचते भी थे और ड्रग्स माफिया जो है ना यहाँ पे बाकायदा इस नदी में बैठ के ड्रग यूज करती थी। पहली दफा पूरे कराची में मेहंदी के पौधे हमने अच्छा ये पहली बार लग रहे हैं कराची में। कराची लियारी वालों उसका ख्याल रखना और कराची वालों पूरा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक अच्छी खबर, और अच्छी खबर हो तो आपको पता है कि आपके भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ और ही हो जाती है। कराची में लियारी नदी, अच्छा लियारी नदी का नाम सुनते ही ना ऐसा लगता है ना कि बहुत गंदी है, वाकई गंदी है, सर्विस का गंदा पानी गुजरता है यहाँ से, मगर उस ज़मीन को बड़े ज़बरदस्त किस्म से इस्तेमाल किया है और उसका नक्शा ही तब्दील कर दिया है। यानी लियारी नदी के साथ जो लियारी में वाक़ है एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अर्बन फॉरेस्ट और एक पार्क, यानी बीबी अम्मा नसीमा के नाम से एक पार्क बन रहा है। 4 एकड़ पर ही मुख्तस है और 4 एकड़ पर ज़बरदस्त किस्म के दरख्त फल पौधे सब लग रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है ना, दिल खुश हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से कुछ लोग कहते थे कि तारीफ़ें नहीं करता, मगर आज मैं दिल खोल कर बिलावल भुट्टो जरदारी की, पीपल्स पार्टी की, ज़िला कमाड़ी की तारीफ़ करने वाला हूँ। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो काम किया और जब तक मुझे मालूम मिली है, आपको दिखाएंगे भी आगे चल कर कि क्या क्या काम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लियारी का नक्शा है वो तब्दील होने लगा है, लियारी नदी का नक्शा है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो हम पूरा दिखाएंगे आपको कि कितना बड़ा ये पार्क है, 4 एकड़ पर ये पार्क है, उसके साथ एक फुटबॉल ग्राउंड भी है। साइंसी तौर पे इसको ये कह लें कि सिविल इंजीनियर ने इसको ऐसा तख्लीक किया, क्योंकि जो लियारी एक्सप्रेसवे का जो डिज़ाइन है ना, यानी लियारी एक्सप्रेसवे आपको देखें ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसी तरीके से जब आप आओगे वहाँ से जैसे आपको उंगली नज़र आई है तो इसी तरह, तो आप जब चलते रहते हैं तो आपको चढ़ाई महसूस होगी, जॉगिंग करेंगे यहाँ पर जहाँ चलेंगे तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी। यानी इसके पीछे भी मकसद है, पूरा साइंस है। यानी अगर आप देखें यहाँ से बिल्कुल सीधा लग रहा है ना आपको, बिल्कुल देखें बिल्कुल सीधा लगेगा, मगर जब आप चलते हैं तो ये सीधा नहीं है, ये हल्का हल्का सा उठता रहता है और आपका जोर लगता है। तो भाई एक तो ये चीज़ है कि अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहते हैं, मेरी तरह इतना स्मार्ट हूँ नहीं वैसे मैं, खैर, लेकिन आप यहाँ पर आएँ और खूब करें। मुझे बहुत अच्छा बन गया है ये जॉगिंग ट्रैक, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। तो आगे और भी कुछ दिखाते हैं आपको, तो ये सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखानी है आपको, हमारे साथ रहिएगा। जंगल में मंगल, अच्छा भाई ये जो जंगल है ना, इस जंगल में होने वाला है मंगल। मंगल किस तरीके से वो आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल बन रहा है जापानी तर्ज के जंगल पर। यानी जब एक ही मखसूस जगह पर, छोटे से जगह पर वो बहुत ज़्यादा दरख्त लगाते हैं और मुख्तलिफ दरख्त लगाते हैं, एक दो नहीं, मतलब इसमें बैंगन का भी दरख्त है, अमरूद भी है, तो हम बात भी करते हैं जो यहाँ पर इस जापानी टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ये जंगल उगा रहे हैं छोटा सा इस जगह पर। इसी बारे से बता रहे थे कि जापानीज फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी है क्या जिसके पीछे सारा जो जहन है ना इस पार्क के पीछे भी। बंधु साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो बताएं कि आप इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस पार्क के। जी जी, मैं बिल्कुल डायरेक्टर हूं और एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी हूं, और सारी जवाबदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुझे अवार्ड की गई थी। और मैं इस पार्क को किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा, ये मेरे चेयरमैन की गिफ्ट थी मेरे लिए, मेरे लिए एजाज़ था, और मैंने इंशाल्लाह कोशिश की 100% अपना देने के लिए कि ये चीज़ें जो जिस तरीके से उनके जहन में कोई चीज़ है कि मैं 32 साल से दुबई में रह रहा था तो मेरे जहन में क्या चीज़ थी, वो मैंने यहाँ ये किए, ज़मीन पे ले आया हूँ, आप देख रहे हैं क्वालिटी में, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये जापानीज़ फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका ख्याल कैसे आया, ये पहली बार हमने देखा है कि कराची के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी होती क्या पहले? इसका ये होता है कि सर इसमें तकरीबन कुछ 12-13 किस्म की खाद, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप दूसरी जगह पर जो ग्रोथ हो पौधे की, मसलन 1 साल में 2 फुट होती है, तो इसमें 1 साल में एक फुट की जो है ना तकरीबन 6 से 7 फुट होती है। अच्छा, इतना फर्क? इतनी फ़र्क होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम डाला गया है वो ऐसा है कि वो बिल्कुल नरम होता है, और इसके अगर इसको 15 दिन पानी ना भी दिया जाए, महीना पानी ना भी दिया जाए, तो उस जो सोल में इतनी ताकत होती है कि उसको हरा भरा रखे। तो ये टेक्नोलॉजी इस वजह सक्सेस हुई थी, और कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला था, तो हमने उसको नज़र में रख के ये सारी चीज़ें किए। और आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन मेरे ख्याल में 25 डेज का ये पूरा प्रोजेक्ट, 25 दिन के अंदर बना है, 25-30 दिन पहले की बात है, और आप देख रहे हैं आपके सामने ये रिजल्ट है।
और इंशाल्लाह अभी क्या कहते हैं मवाकी फॉरेस्ट जो है ना, ये जापानी कंसेप्ट है, और थोड़ी जगह पे ज्यादा चीजें उगाना और सबसे पानी कम से कम ना होने के बराबर। हम हफ्ते में एक दफा पानी भर के देते हैं, फिर हफ्ता इसको भूल जाते हैं। और पानी के लिए अभी आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया है, यहाँ पर सुना है सारा ड्रिपिंग सिस्टम है सर, आप देख रहे होंगे वो सारे पाइप वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वो सारी चीजें ये करें। अभी ये कोऑर्डिनेटर वजीर अला सिंध के कोऑर्डिनेटर भी आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, जबरदस्त, अच्छा केमाड़ी वाले। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो आप लोगों ने ये पौधे लगा दिए, पानी कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि पानी का बड़ा मसला करना चाहिए। यहाँ पे हमने जो है ना समरसेबल पंप बोरिंग करवाई हुई है, चार बोरिंग है यहाँ पे, और चार बोरिंग का वाफर मकदार में पानी, दो लेफ्ट में दो राइट में, तो हमारा माशाल्लाह पानी पूरा हो जाता है, और बहुत वाफर मकदार में, तीन चार घंटे में हम पूरे पार्क। अच्छा, बिजली भी माशाल्लाह सुना है आप लोगों ने, सोलर लगा, सोलर पैनल 12 केवी का यहाँ सोलर पैनल लगने जा रहा है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में आपको नजर आता हुआ नजर आएगा, और इंशाल्लाह सारा रंग बरंग रोशनी वाला ही आपको, यानी आपने पानी के मुताजी नहीं है, बिजली की मुताजी नहीं है, मतलब और आने वाले दिनों में किसी चीज़ की इसलिए मुताजी नहीं है कि हम इसको एक साल दो साल तक एज द सुपरवाइजर, एज द बिरादर, एज द सारी चीजें करके हम इसको खुद मैनेज करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। चलो जी, आपने ये देखी बात कि ये सिर्फ ये कहते हैं ना कि खुद कमाएगा और खुद फल देगा, तो इसके लिए आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और जो ये जो टेक्नोलॉजी है जापानीज मवाके, ये इसलिए भी अच्छी है क्योंकि कराची के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, तो जगह कम हो आपको इस तरह के पौधे लगाने हो तो बेहतरीन किस्म की ये टेक्नोलॉजी, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और साथ में ये जगह नज़र आ रही है ना आपको, देखें ये उंगली वाली जगह, ये जगह देखें आप, ये यहाँ पर सारी बेंचेस लगेगी दोनों तरफ। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ आप देखें, कोने पे जाएं, फिर वहाँ भी आपको बेंचेस लगाए जाएंगे, यानी बीच में भी ग्रीनरी होगी, घास होगी, उस पर आप चल नहीं सकते। इसी तरीके से फिर आप यहाँ भी देख लें, यहाँ पर भी बेंचेस होगी, तो बेंचेस तीन जगह, एक दो तीन, यहाँ पर बेंचेस लगेंगी और वहाँ आकर बैठ सकते हो, खूब मौज मस्ती कर सकते हो और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लियारी वालों उसका ख्याल रखना और कराची वालों पूरा ख्याल रखना। ये जो आपको सामने में हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ ना, यहाँ पर है, यहाँ पर एक तो फैमिलीज़ के लिए कैंटीन बनेगी, कैंटीन के साथ यहाँ पर बच्चों के झूले लगेंगे, यानी यहाँ पर ग्रीनरी तो होगी मगर यहाँ पर चहलकदमी की, वॉक की इजाज़त होगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको कुछ खेल कूद के लिए सरगर्मियाँ मिलेंगी। और दोनों झूले लग रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक भी झूले लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक भी झूले भी लगा रहे हैं यहाँ पर, इसी तरीके से मैनुअल झूले, यानी जिसमें बच्चे थोड़ा जोर लगाएंगे ताकि उनकी जो नशोनुमा है हेल्थी, उनकी वो भी ग्रोथ हो सके, ताकि वो थोड़ा सा आके यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से एक्टिविटीज़ करें। और उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पर लियारी के, फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं, तो फुटबॉल के लिए भी यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का, यानी 4 एकड़ पर तो सिर्फ इनका पार्क है, अम्मा नसीमा पार्क, उसके साथ मुंसलिक है फुटबॉल ग्राउंड। तो फुटबॉल ग्राउंड भी दिखाते हैं आपको, फुटबॉल ग्राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, उसका काम शुरू हो गया है, उस पर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये अपने इख्तदामी मराइल में है। तो हम जो पार्क है उसका अर्बन फॉरेस्ट हिस्से में पहुँच गए, जहाँ पर बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं इस वक्त। तो हमारे साथ मंजूर भाई, अभी आपने आगे भी दिखाया, हमें मज़ीद भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर कौन कौन से दरख्त लगा रहे हैं आप, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है आपको आकर। सर, ये पोर्शन जो हमें मिला था, ये हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है बिलाल भुट्टो जरदारी के जो है ना कोऑर्डिनेटर हैं जुनेद साहब, ये उसका विज़न था कि इसको खाली जगह नहीं छोड़ी जाए, तो उसने ये हेल्प की थी कि हमें 2-3 हज़ार पौधे उसने अपनी जेब से भेज दिए थे, जिसमें से मुख्तलिफ ट्रैक बनाया हमने। इसमें हमने बता दें कौन कौन से यहाँ पर आपने लगाया जो है, ये हमने लेमन, देसी लेमन लगाया, देसी लेमन लगाया है, जबरदस्त, ऑरेंज लगाया है जो माल्टा या माल्टा कहते हैं, किनू कहते हैं, हाँ ये वो लगाया है, और ये पीछे लेमन भी है। ये पहली दफा पूरे कराची में मेहंदी के पौधे हमने ये सारा करीब आके बताइए, सारे मेहंदी के हैं, ये वाले मेहंदी के हैं। तो अच्छा, ये पहली बार लग रहे हैं कराची में, कराची में पहली दफा, किसी बंगले वगैरह में तो लगे होंगे, मतलब लेकिन बड़े पैमाने पे काश्तकारी और इसलिए लगाया कि इसकी पत्ते की, इसके फ्लावर की ना बहुत जबरदस्त खुशबू होती है, सही, और खुशबू को कवर करने के लिए हम लोगों ने ये सारा नीम, ये तकरीबन 300-350 पौधे जो है ना मेहर से मंगवा के लगाए, इसके अलावा दादू मेहर से जो है ना ये मंगवा, अच्छा ये दादू से आए, माशाल्लाह दादू से आए, ये यहाँ स्पेशली मंगवाए गए। तो कितने तकरीबन यहाँ पर दरख्त लगा रहे हैं वैसे? ये 350 दरख्त तो सिर्फ जो है ना इसमें ये लग रहा है मेहंदी के, मेहंदी लग रहा है,
और तकरीबन 600 के करीब हमने नीम लगाई है, नीम लगाया और तकरीबन 1000 और क्या मिक्स जो है फ्रूट जो है जिसमें अनार भी है, आगे चल के आपको अनार भी आपको दिखाएंगे कि अनार भी लगा हुआ आगे और इसमें देसी लेमन भी लगा हुआ है, हाइब्रिड लेमन भी है, हाइब्रिड लेमन इसमें ऑरेंज भी है माशाल्लाह, पीछे से आप देख रहे हैं कि खजूरें भी लगाई हुई हैं, खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं, जबरदस्त भी लग रहे हैं। सही सही, तो हमने एक नया कॉम्बिनेशन दिया है कि नाले की स्माइल को कवर करने के लिए आपको ऐसी चीजें चाहिए जो आगे चल के लोगों के लिए, क्योंकि नाली नदी का गंदा सारा सीवेज का पानी, तो इसका ये फर्क पड़ा है कि अभी आप यहाँ खड़े हुए तो आपके नाले की स्मेल जो है अभी से ही आपको अच्छा महसूस इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, वरना ऐसे खड़े नहीं हो सकते आप। अच्छा अच्छा जबरदस्त, यानी आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे पहले ये दरख्तों की वजह से और मेहंदी के खास पौधों की वजह से जो है ना यहाँ पे एक अजीब जो है ना ये लगेगा, इंशाल्लाह ये बढ़ेंगे। और दूसरा हमने इसको सेल्फ बनाया है कि ये लोग किसी की मोहताज ना हो, इसको जो भी पालने के लिए आएगा वो भूखा नहीं मरेगा, ये खुद उसको भी खिलाएंगे खुद भी खाएंगे। अच्छा अच्छा जबरदस्त, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े बड़े पौधे होते हैं, तनावर दरख्त बनते हैं ये, और उसके साथ में ये तो बहुत जबरदस्त। अभी कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? तकरीबन ये नेक्स्ट ईयर से फ्लावर पे आ जाएंगे, फ्रूट भी हो जाएंगे। अच्छा इस वक्त आपको हम बंद दिखा रहे हैं, ये बंद इसलिए बांध रहे हैं कि जब लियारी नदी में तुगयानी है तो पानी जो है उसका सारा अर्बन फॉरेस्ट में ना सके, तो ये पूरा बंद बांध दिया है। और यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं उनके मुताबिक 70% बंद का काम मुकम्मल हो चुका है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो यकीनन कि जो पौधे लगे हैं उससे बदबू ख़त्म हो गई है, मगर उसके साथ साथ जो पानी है तुगयानी के बाद जब अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती तब भी वो पानी इस पार्क में नहीं आएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर। देखिए जो पार्क है उसकी बाउंड्री के लिए भी काम हो रहा है, एक मज़बूत कंक्रीट की दीवार बना रहे हैं ताकि सिक्योरिटी भी रहे और लोग बाहर से आके उसको ख़राब ना कर सके। देखिए ये नर्सरी बनाई है इन्होंने आर्जी तौर पर, यानी यहाँ पर ही नर्सरी में काम होता है और यहीं से पौधे जमा किए जाते हैं इस नर्सरी के अंदर, और फिर वहाँ जो पार्क है वहाँ पर लगा रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें पौधे ही पौधे माशाल्लाह, और कराची को ज़रूरत है भाई इन सब की, इन पौधों की माशाल्लाह जी। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई कराची के अंदर, मतलब माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के पौधे हैं, दरख्त हैं, और बड़ी खूबसूरत किस्म का आपको एक फ़ील आता है कि एक बड़ा कराची का तो हिस्सा लगता ही नहीं है किसी तरीके से। तो ये सोच रहे होंगे इतना अच्छा पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, अर्बन फॉरेस्ट भी है, मुख्तलिफ जैपनीज़ जंगल है, तो ये कितनी लागत है, इसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड भी है, तो लागत भाई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 4 करोड़ में बना रहे हैं। कितने? सिर्फ 4 करोड़ में। बात सारी क्या है? नीयत की, और नीयत हो ना आपकी तो आप कम पैसों में बेतहाशा काम कर सकते हैं। यानी 1.5 करोड़ तो इनका सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट में लगा है, बाकी यहाँ पर भराई वगैरह और जो दरख्त लग रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो मार्बल का काम हुआ है, जो कंक्रीट का काम है, पेंचेस लगेगी, टोटल खर्चा 4 करोड़ रुपये। बेहतरीन काम कर दिया यार, आई लव यू सिंध हुकूमत। अम्मा नसीमा पार्क की जो तज़ीन आरइश है, जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, चूँकि बिलावल भुट्टो यहाँ खुद आएंगे, इसका कहा गया है कि ख़ास तौर पर इफ्तिताह बिलावल ही आके करेंगे, और वज़ीर आला सिंध के जो मावन खसूसी हैं उन्होंने भी दौरा किया है यहाँ पर, चूँकि काम का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचें, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे यहाँ कुछ अर्सा पहले हमने देखा था बड़ा कचरा कुंडी, बकरा पीढ़ी और बड़ा अजीब गरीब सूरत हाल थी, अब यहाँ पर पार्क जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, क्या कहते हैं? ये इस वक्त हम मौजूद है लियारी एक्सप्रेसवे, दोनों तरफ हमारी एक्सप्रेसवे, एक पाकिस्तान जाने वाली है, दूसरे पाकिस्तान से आने वाली है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पूरी कराची में डेवलपमेंट के काम हो रहे, पार्क्स बन रहे, रोड्स बन रहे, तामीराती काम हो रहे। ये पार्क बन रहा है जिसकी कुल रकबा जिसका है 5 एकड़ है, 5 एकड़ में कोई 3.5-3.5 एकड़ पे पार्क है और 2.25 एकड़ पे फुटबॉल ग्राउंड, जो कि जदीद फुटबॉल ग्राउंड है वो बनने जा रहा है। तो चेयरमैन की ख्वाहिश है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट, इससे दोनों डिस्ट्रिक्ट अवेल होंगे, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी भी और डिस्ट्रिक्ट लियारी जिसे कहते हैं साउथ जिसे कहते हैं, वो दोनों के बीच में ये बन रहा है। इससे पहले इस पार्क में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे मंशियात के अड्डे हुआ करते थे, रक्षे खड़े होते थे जिसमें आके लोग मंशियात बेचते भी थे, और ड्रग्स माफिया जो है ना यहाँ पे बाकायदा इस नदी में बैठ के ड्रग यूज़ करती थी। अब ये हुआ है कि चेयरमैन के एकामात के बाद हमारे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के ज़ाती उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, और मुर्तज़ा वहाब साहब भी आते रहते हैं। मैं ख़ुद स्पेशल असिस्टेंट हूँ फॉर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ये खिदमात का मौका दिया है, तो मैं भी आता हूँ, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर भी हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे साथ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी
मनोड़ा बीच पार्क के बाद और हिल पार्क के बाद अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी कराची की आवाम को ये लियारी में अम्मा कुलसूम अम्मा नसीमा पार्क मिलने वाला है। और अब जब पाकिस्तान भर से सयाह या पाकिस्तान भर से आवाम जब कराची का रुख करेगी और जब कराची पहुंचेगी तो इंशाल्लाह ये छोटे दरख्त जो है ये बड़े होके उनका इस्तकबाल करेंगे इस कराची शहर में। ग्रीन कराची हमारे चेयरमैन का विजन है और इंशाल्लाह कराची को ग्रीन कर रहे हैं हम। थैंक यू सर। थैंक यू।